वैसे आप सभी लोग अगर आप कुछ इस तरह की फोटो वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह की वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं तो ये खूब है। इस तरह के कुछ वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले चले जाएंगे बीएन बीएन वाले एप्लीकेशन में चले जाएंगे। तो उसके लिए बीएन वाले एप्लीकेशन में जा रहे हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको जो फोटो बनाना है वो फोटो लीजिए, जैसे मुझे ये बनाना है फोटो बनाना है। तो यहाँ पर आपको इसको आपको रखना है 11 सेकंड, तो यहाँ से हम इसको 11 सेकंड करते हैं। तो 11 सेकंड हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना 9.6। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर आना है थोड़ा, फिर आपको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो ये फिल वाला ऑप्शन है, आप फिल पे हम क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर बीजी पर आपको क्लिक कर देना है, बीजी पर कलर क्लिक कर देना है। आपको अगर ब्लर चाहिए तो ब्लर नहीं कलर भी आप रख सकते हैं। मुझे ब्लर चाहिए, मुझे इतना ही ब्लर चाहिए। अगर आप सेट भी कर सकते हैं तो मुझे इतना ही ब्लर चाहिए। और हमारी ये वीडियो बन के यहाँ से रेडी हो चुकी है। अब इसको हम सेव करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर अभी हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। अभी हमारी जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो रही है तो यहाँ पर अभी हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर वीपीएन में। आप कोई से भी वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये वाला वीपीएन कनेक्ट करेंगे। तो आपको इस वीपीएन में आने के बाद आपको आपको इस वीपीएन में आने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट पर दबाना है, ओके कर देना है। आपकी जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो रही है अभी। तो भाई हमारी वीपीएन जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इस पे इसके बाद आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में चले जाना है। आपको मैं कैपकट एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कैपकट को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको जो आपने वीडियो वहाँ से एडिट किए थी बीएन एप्लीकेशन से, उसको आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वो वीडियो ला चुके हैं और आगे का जो ये ब्लैक कलर, इसको क्लिक करके डिलीट कर देना। और यहाँ पर सिंपली आपको चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है आपको यहाँ पर जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, फिर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना। तभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ ट्रेंडिंग में आना है आपको। यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ हम ये इफेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं, आपको इसको जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक इफेक्ट कर लेना। मुझे यहाँ ये 6 सेकंड पर एक कट लगा देना है। यहाँ पर कट लगाने के बाद आपको इफेक्ट पूरे वीडियो में कर देना है। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है प्लस वाला आइकन, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर इफेक्ट आएगा एक। यहाँ पर आपको इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना जो पहला वाला है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं और ये देखिए आपकी वीडियो का फाइनल रिजल्ट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद। अभी मेरी वीडियो जो एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। अभी थोड़ा नेट थोड़ा सा बिजी रहा है। तो ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आपको इस पर सिर्फ गाना लगाना होगा। ये मेरे गैलरी में आ चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं गैलरी में, आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए आप वो वाली जो मैंने अभी वीडियो एडिट की थी, देखो आप कैसे हो गई हो, कितना बढ़िया बनाया मैंने। अभी देखना, ये देखो गाइस कितना तगड़ा वीडियो बन चुका है। फिर इसी तरह के किसी वीडियो मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब